हरे कृष्णा। आज मैं हूँ अपने गांव में और मेरे गांव से जा रहा है लंगर। लंगर वहां पे जाएगा जहां पे फ्लड वगैरह आया हुआ है, पानी आया हुआ गाँव में काफ़ी। तो चलो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कहां कहां पानी आया हुआ है गांव में। तो चलो लंगर भी दिखाता हूं, लंगर तैयार हो रहा है। ये खड़ा है पानी का टैंकर, इसमें है पीने के लिए पानी। हरे कृष्णा, लंगर हो गया तैयार और हम जा रहे हैं लंगर वितरण करने। तो चलो चलते हैं। दिखाने के लिए हमारे ट्रैक्टर को जिसमें लंगर जा रहा है, देखिए कितना कितना पानी आया हुआ है गांव में।
पे लंगर चलता हुआ देख सकते हैं आप। और चाचा मेरा पानी पुवाना ना टैंकर वाले को आ दो। लड्डू ओ लड्डू लड्डू अब पानी की बाल्टी भरा दो। पानी भरा दो बाल्टी पानी की बाल्टी। बाबा जी आए हैं देखिए पानी पानी देने के लिए। यहाँ पे गांव में बहुत बुरा हाल हो गया है। ओए गाटू ओए जानते इधर ना जेड़े पानी मंगा उन्होंने पानी। यहाँ पे देखिए सेवा करते हुए लंगर वितरण करते हुए देखिए कितना कितना पानी आ चुका है गांव में। कम से कम 3-3 फुट पानी है गांव में। यहाँ पे देखिए हमारे बंदे कितने कितने पानी में रोटी पहुँचा के आ रहे हैं घर घर तक। ये सेवा कर रहे हैं कितने कितने पानी में देखिए। ये देखिए मंगाराम जी आगे आगे जा रहे हैं हमारे रास्ता दिखाने के लिए कि आगे खड्डा तो नहीं है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए कोई। देखिए आप कितना कितना पानी आ चुका है गांव में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा समुंदर ही बना हुआ है। यहाँ देखिए समुंदर जैसे पानी जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए हरे कृष्णा। जैसा कि आप देख सकते हो कि गांव में तो पानी बहुत ज्यादा आ चुका है और बहुत ही दिक्कत हो रही है लोगों को खाने पीने की। यहाँ पे है ना यहाँ पे देख सकते हो आप कितना कितना पानी आया हुआ है। इस गांव में तो हमने रोटी पानी सबको दे दिया है। अब हम जा रहे हैं अगले गांव। तो चलो अगले गांव देखते हैं कितना कितना पानी है। हरे कृष्णा हम पहुंच गए अगले गांव में। चलो दिखाता हूँ आपको अगले गांव में कितना कितना पानी है। देखिए अगले गांव में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे और भी सेवा कर रहे हैं बंदे काफी। ये देखे तरसेम चंद जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं आगे आगे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अगले गांव में पहुंच चुके हैं। देखिए यहां भी पानी आ चुका है गांव में। लोग छतों पे चढ़े हुए हैं ऊपर। आगे हमें इस गांव के कुछ लड़के मिल चुके हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे कहां कहां पे जाके जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान देना है। ये जा रहे हैं हमारे आगे आगे। तो चलो चलते हैं आगे। हरे कृष्णा जैसा कि आप देख रहे हो इस गांव में बहुत पानी है। यहां भी हम खाने पीने का सामान वितरण करेंगे। तो चलो दिखाऊंगा आपको आगे भी कितना पानी है। यहाँ पे देखिए कितना कितना पानी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना पानी आ चुका है। हमारे बंदे पानी में उतर गए हैं रास्ता दिखाने के लिए इस गांव में भी। ये देखिए स्कूल ये इस गांव का स्कूल है। कितना कितना डूबा हुआ है स्कूल भी। और ये पास में ही मंदिर है। देखिए कितना कितना पानी आ चुका है और हमारे बंदे कितने कितने डूब चुके हैं पानी के अंदर और तैरने की जरूरत पड़ रही है इन्हें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना पानी आ गया। हमारा ट्रैक्टर भी आधे से ज्यादा डूब चुका है। यहाँ पे देखिए लोग फंसे हुए हैं। इनके पास खाना नहीं है। यहाँ तक कोई नहीं आ रहा था। हमारी जो टीम है यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो लोग छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं।
जहाँ कुप्पा ले चले चलो पूरी ऊंचा ला मांगे देखिए हमारी टीम कहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे देखिए लोग छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं और पानी के लिए कितना कैसे तरस रहे हैं पानी के लिए। देखिए आप पानी की बोतलें हमारी टीम घेर रही है ये पानी की बोतलें। देखिए भाई ऊपर चढ़े हुए हैं सब अंदर हैं। देखिए कैसे तैर कर आ रहे हैं खाना लेने के लिए। यहाँ पे आपको पता लग सकता है कि खाने की बहुत ही ज्यादा कमी हुई है, बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हुई है खाने की। देखिए लोग खाने के लिए कैसे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी टीम ही यहाँ तक पहुँची है, इससे पहले कोई भी यहाँ तक नहीं आया। तो चलो आपको और भी दिखाता हूँ आगे। देखिए कैसे लोग तैर कर आ रहे हैं पानी लेने के लिए। यहाँ पीने की पानी की भी बहुत ज्यादा छोटी हो गई है और वहाँ पे देखिए लोग ऊपर चढ़े हुए हैं छतों के। यहाँ भी देख सकते हैं आप कैसे लोग खाने पीने की वस्तुओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे खाना नहीं इनके पास काफी दिन से आया। हमारी टीम है जो जहाँ पे पहुँच चुकी है ये देखिए कितना कितना पानी भर चुका है गांव में। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे ट्रैक्टर है जो इसमें भी कितना पानी भर चुका है ट्रैक्टर में भी। आप देख सकते हो कि हम अगले गांव में जा रहे हैं। ट्रैक्टर हमने चेंज कर लिया है, यहाँ से हम जा रहे हैं अगले गांव में। ये देखिए जहाँ पे कितना कितना पानी है। लोग सारे अपने घरों से बाहर आ चुके हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी टीम खाने पीने का सामान लेकर आई है तो ये यहाँ का इनको हम खाने पीने का सामान दे रहे हैं। अभी हम इस गाँव में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे खाने पीने का कोई सामान नहीं है। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लिए देखे कैसे खड़े हुए हैं। चलो भाई जी करके। ये रेस्क्यू टीम है जिथा मर्जी खड़ा हो यार। मानते नहीं मानते बाबा घोटाले का उतरना पड़े बाबे।
हम यहाँ पे इतने पानी में पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आज कोई भी नहीं आया खाने पीने का सामान लेकर, हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। भाई हूं घंटे दो लगे सीधा अंदर उड़ी लेंगे पहला उड़ी आवे हूं सीधा लेगा क्योंकि हमारे पास सामान हो रहा है खत्म, इसीलिए हम वापस जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी टीम के पास हम दोबारा पहुँच चुके हैं, ये खड़े हैं हमारे लोग। हम इनके पास अगले गांव में गए थे, हम वहाँ पे खाना देकर यहाँ पे हम दोबारा पहुँच चुके हैं हमारी टीम के पास। देखिए हमारी टीम खड़ी हुई है यहाँ पे, देखिए हमारी टीम अपना काम पूरा करके वापस जाती हुई घर को। यहाँ से हम अपने घर वापस जा रहे हैं, दोबारा फिर आएंगे। हरे कृष्णा, आपने देख ही लिया वीडियो में कितना कितना पानी आ चुका है गांव में, इससे भी ज़्यादा डूबे हुए थे गांव, पर लोगों ने हमें मना कर दिया वहां पे जाने के लिए। वो कहते हैं ना कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती, हम तो भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।